मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है क्योंकि मेरी पीर मीठे में शॉप है सैलून की। सर हमने क्या किया कि हम कोरोना के टाइम, उस टाइम कोरोना के जब हमारा टाइम था, कोरोना के टाइम हमारा काम बिल्कुल बंद था, बिल्कुल काम काज नहीं था। हमने इतनी मेहनत की है उस टाइम अपने बच्चों को, ये अरमान को बड़ी मुश्किल से, मतलब कि कैसे कैसे हमने वो किए, मेहनत करके हमने इसको आगे बढ़ाया बहुत मुश्किल से। सर कोरोना के टाइम तो हमारा बिल्कुल काम ही नहीं था। प्रणाम जी, सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय। मैं इस समय जानीपुर के एक परिवार में हूँ और इनके बेटे अरमान ने काफ़ी अच्छे नंबर लिए हैं 10th स्टैंडर्ड में, और मैं चाहूँगा कि आप लोग अरमान को और इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं दें। हम इनके फैमिली के बारे में भी जानेंगे और कितनी इन्होंने पढ़ाई में मेहनत की, टीचर्स का कितना योगदान रहा, ये भी हम सब बात करेंगे। तो अरमान, पहले तो कॉन्ग्रेट्स, स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में बताओ, कितनी उन्होंने आपके साथ जो है मेहनत की है और फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? थैंक यू सो मच सर। पहले तो सर, सबसे पहले तो फैमिली का मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है। कभी मतलब इन्होंने कंपेयर नहीं किया, हमेशा सपोर्ट ही किया है। कम नंबर भी कभी आए तब भी इन्होंने सपोर्ट किया। बाकी स्कूल की सपोर्ट, टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है। एज अ चाइल्ड वो मेरे को मानते थे हर जगह, कभी एक्स्ट्रा भी समझना हो तब भी मेरे साथ देते थे। प्रिंसिपल मैम ने भी बहुत ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है मेरा। और मतलब ट्यूशन टीचर जो थी निहारिका मैम, उन्होंने तो बहुत ही योगदान दिया है। वो तो इवन संडे को भी बुलाते थे, इतना हार्ड वर्क, इतने एफर्ट्स डाले हैं ना उन्होंने हमारे साथ। जैसे हमारे नंबर भी, उनके भी नंबर आए हैं हमारे साथ, इतने एफर्ट्स डाले हैं उन्होंने। बस पेरेंट्स का, घर वालों का तो बहुत योगदान था, उनका भी बहुत योगदान था, स्कूल वालों का भी योगदान था, पर ट्यूशन वाली मैम जो निहार क्या मैम, उनका तो बहुत ज़्यादा योगदान था। अच्छा अरमान, जो मतलब आपकी फैमिली का भी सपोर्ट रहा, अब आगे फर्दर क्या सोचा है आपने? मतलब आगे क्या, कौन सब्जेक्ट्स ले रहे हो और आगे क्या एम क्या आपका, क्या गोल? सर फर्दर मैंने नॉन मेडिकल लिया है। मैं मेरे को एक्सप्लोरेशन में बहुत इंटरेस्ट है, जो हमारा नेचर है। तो मैंने आगे सोचा है स्पेस साइंटिस्ट की फील्ड में जाऊँ, स्पेस एक्सप्लोर करने का मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने आगे इसी फील्ड में परस्यू करना है अपना। बहुत अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मीना। मीना जी, कितनी खुशी हुई बेटे ने इतना नाम रोशन किया है और कितनी मेहनती आपका बेटा। तो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है कि कितनी खुशी है। यही है कि हमें बहुत प्राउड हो रहा है कि हमारे बच्चे ने ऐसा किया, और मैं चाहती हूँ कि ये ऐसा ही आगे भी करे और हमारा नाम रोशन करे। आपका क्या नाम है जी? गणेश कुमार। गणेश जी, क्या काम करते हैं आप और बेटे ने इतनी मेहनत की है, जो आपकी मेहनत है आज वो रंग लाई है? सबसे मेहनत ज़्यादा भगवान की है सर, भोलेनाथ की, राजा मल्लिक जी की। ठीक है सर, मैं सैलून का काम करता हूँ, पीर मीठे मेरी शॉप है सर। तो जितनी मतलब आप खुश हैं बेटे ने? बहुत खुश हैं सर, बहुत खुश हैं, बड़ी मेहनत की है इस बच्चे ने, बहुत हम बहुत खुश हैं सर। आपका क्या नाम है जी? जी मेरा नाम आशा है। आशा जी, क्या लगते हैं आप इनके और कितनी खुशी हुई और कितनी मेहनत हुई? मैं इसकी चाची भी हूँ और मौसी भी हूँ। अच्छा, हाँ जी, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि इसने इतने अच्छे मार्क्स किए हैं और ये आगे भी फर्दर फ्यूचर में बहुत अच्छे लेवल पे जाए, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। अच्छा अरमान, अब एडमिशन कहाँ ले रहे हो, 11th कहाँ से? सर अभी हमने रणवीर हाई स्कूल एडमिशन ली है। अच्छा, हाँ जी, तो रणवीर से पढ़ोगे? हाँ जी, हाँ जी। चलो, हमारी भी आपको शुभकामनाएं हैं। कुछ मैसेज दोगे आप जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो 10th क्लास में आएंगे, किस तरह से पढ़ाई करें? बस एक ही मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि जो लोग बोलते हैं ना कि हम एंड में सारा पढ़ लेंगे, एंड में एक साथ कुछ नहीं होता है, हमेशा स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करो पढ़ना, क्योंकि सिलेबस है 10th का थोड़ा तो है, एक साथ कवर नहीं होता है। इसीलिए अब जैसे मैंने स्टार्ट से ही पढ़ना स्टार्ट किया था, तभी सिलेबस ख़त्म हुआ। एंड के टाइम जब पेपर्स थे, कोई टेंशन ही नहीं थी, एक एक बार रिवीजन मारी थी, क्योंकि इतनी बार रिवीजन कर ली थी पहले, कितना टेंशन ही था। पर जो लोग बोलते हैं कि हम एंड एक दिन में हम सारा रातों रात पढ़ लेंगे, ये नहीं होता, ये बस एक मिसकंसेप्शन है। इसीलिए स्टार्ट से ही पढ़ना चाहिए सबको, और कोशिश करो कि 3-4 बार हर चीज़ के रिवीजन हो जाए जी। सबसे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने शीश कोहली जी का, जो हमारे पास आए हैं, बड़ी बड़ी उनकी मेहरबानी है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये अरमान की फैमिली है और काफ़ी खुश हैं, इनके पिताजी एक सैलून चलाते हैं, तो मैं तो ये भी कहूँगा कि इनके पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो भी आज बड़े खुश होंगे कि इनके बेटे ने इतना अच्छे नंबर लिए हैं। तो आप खुद देखिए कि इनके पापा की मेहनत, सैलून में काम करके जो भी घर का खर्चा चलाना, बच्चे को पढ़ाना, और आज बच्चे ने नाम रोशन किया है। मैं सभी बच्चों को कहूँगा कि आपके माता पिता जितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, आपको भी उनके लिए उतना ही गर्व महसूस कराना जैसे अरमान ने करवाया। धन्यवाद, राम राम।